नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल यात्रा के दौरान रवि भूषण राजन को अचानक से हृदयघात हुआ, जिससे उनका निधन हो गया है। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। यहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भूषण केकेसी के पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अगड़ा साइकिल यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अलग हो रहा हो इससे। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई की बात कर रहे हैं, वहीं पीडीए आधी आबादी और अगड़े समाज की भी बात कर रहा है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रही है। शायद देश में समाजवादियों की इकलौती यात्रा रही होगी जो 5,000 किलोमीटर चल चुकी और कई हजार किलोमीटर और चलना है। मुझे उम्मीद है जिस संदेश को लेकर यात्रा निकली है उसमें सफलता मिलेगी। 2024 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ऐतिहासिक सीट जीतेंगे। और इसी दौरान दोस्तों एक सपा नेता की मौत हो गई है। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। सपा नेता रवि भूषण की हृदयघात की वजह से दोस्तों मौत हो गई है, जिसके बाद सपा पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। आप सभी दोस्तों से विनती है, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।